पर्यावरण की हम बात करेंगे, आपके पास पर्यावरण विभाग भी है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि जो कि इंडस्ट्रीज हैं वो उन पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करती हैं, सीधे तौर पर जो गंदा पानी है वो नदियों में प्रवाहित कर देती है। एक उदाहरण समझ लो कि भाई ये मेरा सर है वो पहाड़ है, एक जो छोरा था उसके बाल घने थे, दो का उदाहरण दिया, और हमने बाल वाले सर के ऊपर पानी डाला, दो बार तीन बार पानी डाला, पानी डालने के बाद में फिर हमने सूखे कपड़े से उसको दो तीन बार पोंछा, और इसी प्रकार मेरे सर पे भी पानी डाला और तीन बार हमारा भी सर पोंछा। जब इसको निचोड़ा तो बाल जिसके थे उसमें पानी निकला और मेरा जो कपड़ा था सर वाला उसमें वो सूखा निकला। मैंने बताया कि इस प्रकार से जो जंगल है उसको हमें बचाना है, क्योंकि बारिश जब होती है, यदि हमारे पहाड़ों के ऊपर जमीन के ऊपर हमारे वृक्ष नहीं रहेंगे, पानी बह के समुद्र में चले जाएगा। और ये जो प्रैक्टिकल हमारा था वास्तव में पूरे देश क्या मतलब इसको विश्व तक मतलब इसका प्रचार प्रसार आप लोगों ने किया है, उसी बात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे जब मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ तो हमारे को मतलब ये विभाग भी पर्यावरण जोड़ दिया है। फिलहाल मुझे यानी कि आशुतोष को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज। नमस्कार। इंडिया फर्स्ट को बहुत बहुत शुभकामनाएं, नया चैनल खबरों की दुनिया में नए आयाम स्थापित करेगा, और समाचारों के साथ साथ जो रचनात्मक काम समाज में होते हैं उसको भी प्रकट करने का प्रयास करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इंडिया फर्स्ट। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि चैनल भी फर्स्ट रहे। और जब आप इंडिया फर्स्ट की बात कह रहे हो, आपने नाम इंडिया फर्स्ट रखा है, तो आपके चैनल से वो बातें पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए जिसमें वास्तव में इंडिया फर्स्ट है। मेरी पूरी पूरी शुभकामनाएं लीजिए। अच्छा है आपका ये इंडिया फर्स्ट ये जो चैनल है जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, आपको, आशुतोष जी को, चैनल को, इनके सहयोगियों को, सबको बहुत शुभकामना मेरी ओर से।